सो हे गाइज, यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे आज कौन सी न्यूज निकल के आई है अपडेट रिगार्डिंग। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर आज कौन से डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिले, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो MIUI 12.5 के अपडेट्स रिलीज किए गए इंडिया में और अदर साइड में, तो यहाँ पर वो कौन से डिवाइस है उसके बारे में बात करेंगे। और गाइज, यहाँ पर अगर आप लोग का Redmi 9 Prime Poco M2 का डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग के लिए अपडेट को लेके एक न्यूज़ है, Android 11 अपडेट को लेके न्यूज़ है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके अलावा कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के लिए मिले उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लेना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पहले सिस्टम अपडेट्स के बारे में। ज़्यादा अपडेट्स देखने के लिए नहीं मिले, यहाँ पर Xiaomi Wear का एक न्यू अपडेट मिल जाता है। इसके अलावा Xiaomi एप्लीकेशन का भी एक न्यू अपडेट मिलता है, इसको तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाकर भी अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा सुपर वॉलपेपर अल्फा का एक और न्यू बिल्ड नंबर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सुपर वॉलपेपर पता है आप लोगों को, यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए जो एप्लीकेशन लगता है यहाँ पर उसका भी अपडेट आ चुका है। और सभी सुपर वॉलपेपर चाहिए आप लोगों को तो उसकी APK मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट्स की लिंक वगैरह पाने के लिए। हम लोग बात करते हैं अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर आप लोग उसका बिल्ड नंबर वगैरह देख ही सकते हो। MIUI 12.5.2.0 का बिल्ड नंबर देखने मिलता है और यहाँ पर ये अपडेट इंडिया के लिए, तो जिनके पास MI 10 का डिवाइस है आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोगों को शायद ये अपडेट देखने के मिला होगा लेकिन काफी कम यूजर को मिलेगा क्योंकि यहां पर ये पायलट रिलीज किया गया, सभी यूजर को नहीं रिलीज किया गया। आने वाले 1 वीक में सभी यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी यूजर है MI 10 के, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पर इंडिया में आप लोगों के लिए MIUI 12.5 का स्टेबल अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। भले ही पायलट यूजर को मिला है लेकिन 1 वीक में सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर पूरे फीचर्स मिल जाते हैं MIUI 12.5 के। इसके अलावा रशिया में एक अपडेट देख मिलता है MI 9T Pro के लिए MIUI 12.5 का। इसके अलावा Redmi Note 10 Pro 5G के लिए चाइना में रिलीज किया गया न्यू अपडेट के साथ। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया में एक और अपडेट देखने मिलता है Redmi 9A जो कि Redmi 9i के नाम से भी देखने के लिए मिलता है। तो इंडिया में ये अपडेट देखने मिला है MIUI 12.0.17.0 का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिलता है। लेटेस्ट बिल नंबर, लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो कि जून का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, तो यहाँ पर Redmi 9A के लिए इंडिया में रिलीज किया गया। इसके अलावा MI 10T Pro के लिए गाइस यहाँ पर ग्लोबल में आज MIUI 12.5 का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये अपडेट है MI 10T Pro के लिए ग्लोबल में। MIUI 12.5.1.0 का बिल्ड नंबर है, 914 MB की साइज देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर जिनके पास इंडिया में ग्लोबल वेरिएंट देखने को मिलता है MI 10T Pro का, तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। वैसे इंडिया में तो ये अपडेट पहले देखने के लिए मिल चुका था, जिनको नहीं मिला आने वाले समय में रिलीज हो जाएगा 1 वीक में। तो यहाँ पर ग्लोबल में भी आज इसको रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi 9A के लिए भी MIUI 12.0.17.0 का एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, ये भी गाइज इंडिया में रिलीज किया गया। यहाँ पर इसके अलावा Redmi के 20 Pro के लिए आप लोगों को पता है इंडिया में MIUI 12.5 अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया, तो जिनको नहीं मिला था तो आज भी कुछ यूजर के अपडेट देखने के लिए मिला। तो अगर आप लोग Redmi के 20 Pro का डिवाइस है तो जाकर चेक कर लेना, आप लोग अपडेट देखने के लिए मिला होगा। वैसे गाइज यहाँ पर आज इतने डिवाइसों को अपडेट्स देखने के लिए मिले, 3-4 डिवाइस थे जिनको इंडिया में अपडेट देखने के लिए मिले थे। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स थे मैंने आप लोगों को बता दी और इनकी लिंक्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से मैन्युअली जाके अपडेट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रख लेना। लेकिन अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कुछ न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पर Redmi 9 Prime Poco M2 के लिए एक न्यूज़ है। Redmi 9 Prime Poco M2 के लिए अभी मैंने 2 दिन पहले एक न्यूज़ बताई थी कि आपको जुलाई एंड तक चांसेस है कि अपडेट देखने के लिए मिल सकते, बट गाइज यहाँ पर इस न्यूज़ में बताया कि फुल्ली चांसेस है, मतलब कन्फर्मेशन की तरफ से आप लोग मान सकते हो कि यहाँ पर किस डेट पर ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर क्लियर बताया कि Redmi 9 Prime और Poco M2 का जो डिवाइस है इन दोनों के लिए Android 11 अपडेट साथ में देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर इसमें टाइम देखने के मिलता है एंड ऑफ जुलाई 21 और द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 21। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी है कि एंड ऑफ जुलाई से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच में Poco M2 और Redmi 9 Prime दोनों ही डिवाइस के लिए डेफिनेटली Android 11 अपडेट रिलीज हो जाएगा इंडिया में। गाइज यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जितने भी यूजर है Poco M2 के और Redmi 9 Prime के, तो मैंने आपको पहले ही बताया था आप लोग जुलाई एंड तक वेट करो, अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकते। और यहाँ पर इस न्यूज़ पे अगर आप लोग नज़र डालोगे तो यहाँ पर वही बताया कि जुलाई एंड से अपडेट मिलना स्टार्ट हो सकते हैं, जुलाई एंड से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच में ये अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो थोड़ा सा और वेट करो गाइज, यहाँ पर बहुत जल्दी ये अपडेट आप लोग के डिवाइस में देखने के लिए मिलने वाला है Poco M2 Redmi 9 Prime यूज़र के लिए। और यहाँ पर एक तरीके से आप लोग मान ही लो कि जुलाई से लेके अगस्त के फर्स्ट वीक के बीच में अपडेट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अपडेट आएगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दूंगा और यहाँ पर चैनल पर भी वीडियो के जरिए बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बताइए, अगर जुलाई के एंड तक नहीं मिलता है तो यहाँ पर जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसमें तो डेफिनेटली अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड्रॉयड 11 का। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है गाइस, यहाँ पर काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर Redmi 9 Prime Poco M2 यूज़र के लिए। लोग थोड़ा सा वेट करो, जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो यहाँ पर
आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो भी न्यूज़ थे, जो भी अपडेट्स थे, मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर लेना, टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लेना, और चैनल पर नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करके रखो, फ्री में होता है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।